देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंवार। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है जिसको लेकर सरकार कहीं सख्ती दिखा रही तो कहीं छूट भी दी जा रही है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा है आइए आपको सुनवा रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाएं तलाश की जाए, संक्रमण के सुरक्षा से उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अवश्य संचालित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जब लॉकडाउन अवधि में भी चीनी मिलों का संचालन करते हुए एक ओर संक्रमण से बचा ही जा सका और दूसरी ओर चीनी मिलों के साथ जो अल्कोहल यूनिट्स हैं उनसे सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ, चीनी मिलों के पास जो फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी उससे सैनिटाइजेशन का काम हुआ, इसी तरह ईंट भट्टा का भी जो है चलाकर आपको संज्ञान में है, लगभग 12,000 से अधिक ईंट भट्टे प्रदेश में चल रहे हैं। तो उसी तर्ज पर जहां चीनी मिल चल सकती हैं, ईंट भट्टे चल सकते हैं, क्यों नहीं उद्योग चल सकते हैं। आज बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा की और एक नया आयाम देने के लिए और बृहद योजना देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। मैं ये बता दूं कि आज शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जो नोडल अफसर्स गए थे जिलों के लिए, वरिष्ठ अधिकारी गए थे, उनके साथ बैठक करेंगे और रात 8 बजे जो है जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के साथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ VC भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाए कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची और स्वास्थ्य परीक्षण लेकर ही उनकी सकुशल वापसी की जाए। मुझे बताने में हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी जो पहली खेप ट्रेन की थी वो चल चुकी है और जो पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से आज सुबह 10 बजे के आसपास चली है और लगभग 845 हमारे श्रमिक भाई और वहाँ कामगार जो है उस ट्रेन में बैठकर चले हैं, जो झांसी कानपुर के रास्ते लखनऊ तक जो है कल आ जाएगी। पहली ट्रेन हमारी चल दी, हमारी राज्य सरकारों से वार्ता चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि महाराष्ट्र से और गुजरात से प्रदेशों के अधिकारियों से वार्ता करके वहां से ट्रेन और अधिक चलाने की व्यवस्था की जाए। आज ही महाराष्ट्र और गुजरात से चर्चा कर ही जा रही है कि और अधिक ट्रेन चलाई जाए, लेकिन शर्त हमारी यह है कि जब ट्रेन चले तो उसके पहले हमारे पास पूरी सूची विवरण आ जाए और ये प्रमाण पत्र भी आ जाए कि हर व्यक्ति जो ट्रेन में चल रहा है वो स्वस्थ है और उसकी स्क्रीनिंग कर दी गई। मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रारेड थर्मीमीटर भी प्रदान कराने के लिए जनपद स्तर पर कामगारों की स्क्रीनिंग करने के लिए और उनकी 14 दिन की होम क्वारंटाइन के लिए उपचार की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिया। क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल निश्चित किया स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए प्रत्येक जनपद के प्रभारी अधिकारी को नामित करने के लिए और प्रभावी पुलिसिंग भी करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। अवैध रूप से अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आवागमन पर भी उन्होंने निर्देश दिया कि इसको हर हालत में रोका जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रदेश में वापस आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के नाम पते मोबाइल नंबर और कार्य दक्षता भी यानी स्किल क्या है उनकी ये भी संकलित कर लिया जाए। ऐसे श्रमिकों कामगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की सुविधा दी जाए। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए कार्य योजना भी तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने आपको संज्ञान में है कि 16 लाख राज्य कर्मचारियों को वेतन समय से दे दिया है और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पेंशन दिए है। तो अप्रैल पेड इन मे यानी अप्रैल माह की तनख्वाह मई महीने में दे दी गई है। आपको मालूम है कि कल माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद प्रेस करके जो वित्तीय स्थिति है वो अवगत कराया है।
हालांकि राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर हर कर्मचारी के लिए, हर शिक्षक के लिए, हर पेंशनर के लिए टाइम से जो है उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो पेंशन है वो उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया है कि वित्त विभाग बैठकर ये और जो राजस्व की संभावनाएं हैं उनको तलाशे, और आज इसके लिए पुनः वो बैठक वित्त मंत्री जी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना की इस जंग में लड़ने के लिए हमको उसकी जो इन्फेक्शन की चेन है उसको तोड़ना आवश्यक है। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल अवश्य चिन्हित कर लिए जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मरीजों का उपचार केवल कोरोना पुष्ट मरीजों का उपचार जो है केवल कोविड हॉस्पिटल में ही किया जाए, नॉन कोविड हॉस्पिटल में उनका किसी भी रूप में उपचार न किया जाए, स्क्रीनिंग की व्यवस्था दी जाए और लक्षण वाले रोगियों को सीधे कोविड अस्पताल में भेजा जाए। उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जैसा मैंने कल और परसों बताया था कि हमारे प्रदेश में 52,000 और बेड्स L1, L2, L3 लेवल पर बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसकी कार्ययोजना लगभग अंतिम हो गई। इसको और आगे ले जाकर 1,00,000 बेड्स तक करने की निर्देश उन्होंने दिए हैं। और आज ये भी कहा है कि जिन 20 जनपदों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर युक्त बेड, उन 20 जनपदों में वेंटिलेटर अगले 3-4 दिन के अंदर खरीद कर उन जनपदों में जहां बिल्कुल भी वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर युक्त बेड्स किए जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे जनपद जहां पहले कभी भी कोई भी चिकित्सकीय व्यवस्था के अच्छे साधन नहीं थे, मॉडर्न जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां वेंटिलेटर प्रोवाइड फॉर करके उन चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का जो निर्देश दिया है ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है, जिससे कि हर जनपद में एक कड़ी ऐसी हो जहां पर कहीं भी कोविड पेशेंट यदि आता है तो उसको तुरंत जो है राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों अथवा छोटे बच्चों को कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, उनका उपचार L2 और L3 अस्पताल में ही किया जाए। L1, L2, L3 चिकित्सालयों में बेड की संख्या को तेजी से बढ़ाने का निर्देश उन्होंने बताया। मैंने आपको सभी मंडलों में L3 अस्पताल स्थापित किए जाए, अभी मैंने आपको बताया वेंटिलेटर लगाकर, और डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ये भी एक बड़ा काम होगा। निजी चिकित्सालयों तथा आयुष के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का पूरा आज उन्होंने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल संक्रमण पर आज फिर गंभीर चिंता व्यक्त की है और जो भी सुरक्षा के उपकरण है, OPD किस तरह चलेगी, इसका निर्देश भी उन्होंने दिया है। टेलीफोन पर मरीजों को परामर्श देने का भी निर्देश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल, कम्युनिटी किचन, डोर टू डोर डिलीवरी और बेहतर हो, सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर तरीके से लागू की जाए, भोजन ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि कहीं भी कोई कठिनाई ना हो, ये भी जो है एक आवश्यक निर्देश उन्होंने दिया है। मंडियों के लिए उन्होंने एक विशेष निर्देश ये दिया है कि मंडियां कुछ ही घंटों के लिए खोली जा रही। प्रदेश में हर जनपद में अब इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं कि मंडियां लंबी अवधि के लिए खोली जाए, जिससे एक समय पर भीड़ ज्यादा ना हो। सामान्यतः सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो रिटेल की मंडी है वो खोली जाए, थोक की मंडी तो सुबह 4 बजे खुल जाती है, रिटेल मंडियां जो है लंबी अवधि तक खोली जाए, ये निर्देश अब जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ ज्यादा ना हो और वहां पर नियमित सैनिटाइजेशन हो, वहां पर PRD जवानों की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग जो है सुनिश्चित किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो घर पर वो कार्य कर सकते हैं, जैसे मास्क बनाने का काम, अचार मुरब्बा और पापड़ आदि बनाने का काम, इस पूरे कार्यों को भी करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि यदि कोई निराश्रित व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी उचित सहायता राशि जो है दी जाए। गृह विभाग ने काफी मजबूती से लॉकडाउन को इंश्योर किया है और मुझे बताकर खुशी है आपको कि गृह विभाग में अब तक 35,174 FIR दर्ज कर दी गई है।
और कुल मिला के 1,00,000 से अधिक अभियुक्तों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये भी आपको बता दें, इस बीच में इसी एक्ट के अंतर्गत व्यापक बढ़ोतरी हुई है कार्रवाई की। 571 FIR अब इसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है, 571। और इसके अलावा वाहनों की चेकिंग में भी जो है चालान की संख्या अब 7,57,000 हो गई है और 34,000 से अधिक वाहन को सीज कर दिया गया है और 14 करोड़ राशि जो है वो अब जमा हो गई है जो लोगों से जमा की गई। हॉटस्पॉट्स के बारे में आप लोग सब जानना चाहते हैं। कुल अब 433 हॉटस्पॉट्स हैं प्रदेश में, 286 थानों में 7,86,000 मकान चिन्हित हैं, लगभग 45,000 की पॉपुलेशन है, 45 लाख की पॉपुलेशन है हॉटस्पॉट्स में। और हॉटस्पॉट्स में जो है लगभग हमारे 3/4 केसेस हॉटस्पॉट्स के अंदर ही स्थित हैं। 433 हॉटस्पॉट, 286 थाने, 7,86,000 मकान, 45,35,000 पॉपुलेशन, 1,712 वहां कोरोना पॉजिटिव केसेस, संदिग्ध की संख्या 18,000, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजे गए 8,000, लगभग 3,000 से अधिक बैरिकेडिंग की गई। अब तक इनमें जो है चालान जो है 20,000 चालान हॉटस्पॉट्स में कर दिए गए और जब्त गाड़ियां लगभग 1,500 गाड़ियां जब्त कर ली गई और 2,000 मुकदमे जो है हॉटस्पॉट्स में दाखिल किए गए हैं। हम ये भी आपको बता दें कि फेक न्यूज पर सरकार ने काफी सख्ती की है और फेक न्यूज के आधार पर जो है अब तक 679 मामले, 679 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और इसमें अब तक फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप के लगभग 37 फेसबुक के, 47 टिकटॉक के, 38 ट्विटर के और 1 व्हाट्सएप के अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है उनसे संबंधित से अनुरोध कर। साइबर सेल के थानों में अब फेक न्यूज की जांच चल रही है। हमारी हिदायत रहेगी कि कोई भी न्यूज ऐसी न चलाएं जो फेक न्यूज की श्रेणी में आए, अन्यथा इस मामले में जो है बाद में दिक्कत आपके समक्ष, हम सबके समक्ष आती है। फेक न्यूज किसी भी रूप में न चलाएं। दूध का वितरण आज 35,27,000 लीटर हुआ है, कुल जो है प्रोडक्शन 55,00,000 से अधिक हुआ है। कुल जो है फूड पैकेट्स आज 12,41,000 बांटे गए हैं और जो राशन कार्ड है 3,50,00,000 से अधिक जो राशन कार्ड है उसमें से कल पहले दिन 30,00,000 राशन कार्डों पर राशन का वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है। वीट प्रोक्योरमेंट भी तेजी से चल रहा है और वीट प्रोक्योरमेंट के कामों में भी बहुत तेजी लाई गई। आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई दिवस के अवसर पर सभी कामगारों से जो है 1-to-1 उन्होंने एक्सरसाइज की थी जिसमें उन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया था। अब तक जो है कुल मिलाकर जो धनराशि दी गई है वो ठीक 300 करोड़ रुपए की धनराशि 1,000 रुपए की दर से अब लोगों को बांट दी गई है, यानी 30,00,000 कामगारों को, निराश्रित मजदूरों को, श्रमिकों को अब ये धनराशि दी जा चुकी है। उद्योग भाग में उद्योगों को चलाने के लिए जो व्यवस्था है अब 8,400 उद्योग जो है चला दिए गए हैं, पहले ये संख्या काफी कम थी। और ऐसे में जो नई व्यवस्था लॉकडाउन फेज 3 यानी 4 तारीख से जो लागू होगी, जैसा मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों के लिए विशेष जो है बल दिया है और जल्दी ही आज ही आदेश आ जाएगा जब आपको सबको जानकारी हो जाएगी कि 4 के बाद सरकार के प्रदेशों के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या नीति रहेगी और क्या क्या चीजें जो है खुलेंगी और क्या प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, धन्यवाद। बता, प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 127 नए मामले आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस समय प्रदेश में 1,756, डिस्चार्ज हुए मरीज 656,
43 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कुल केसेस की संख्या 2455 ये 64 जिलों से 64 डिस्ट्रिक्ट से प्रकरण आए हैं, जिनमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कल प्रयोगशालाओं को 3356 सैंपल्स भेजे गए और प्रयोगशालाओं ने कल 4431 सैंपल्स का परीक्षण किया, जो 431 जो हमारा थोड़ा बैकलॉग था उसको वो क्लियर हो रहा है। कुल जो आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या है इस समय वो 1841 और फैसिलिटी क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं उनकी संख्या 11769 कल भी पूल टेस्टिंग हुई 11 प्रयोगशालाओं के द्वारा और उनमें 331 पूल की टेस्टिंग की गई, जिसमें 1607 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। 331 में से 23 पूल 23 पूल्स पॉजिटिव आए और 308 पूल्स नेगेटिव आए। जो बाहर से प्रवासी आएंगे, प्रवासी कामगार या और बाकी लोग जो आएंगे, उनके संबंध में विस्तृत शासनादेश कल जारी कर दिया गया है। आने के पश्चात सर्वप्रथम उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में जो लोग बिना लक्षण के और स्वस्थ पाए जाएंगे उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वो 21 दिन के होम क्वारंटाइन में रहेंगे। उनके घर के आगे एक फ्लायर लगाया जाएगा जिसमें कि तिथि लिखी होगी कि कब से कब तक वो होम क्वारंटाइन में है। जिनमें थोड़े बहुत भी लक्षण पाए जाएंगे उनको वहीं पर रोक लिया जाएगा और उनकी फिर जांच करवाई जाएगी RT-PCR के माध्यम से। अगर उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि होती है तो उनको अस्पताल में भेज दिया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड में चले जाएंगे। अगर पुष्टि नहीं होती है तो भी उनको 7 दिन तक वहाँ रोका जाएगा लक्षण वाले लोगों को, और 7 दिन के पश्चात पुनः जांच करवाई जाएगी। अगर उनके पुनः जांच जो होती है उसमें भी अगर वो निगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। इसमें प्रदेश में ये व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग होम क्वारंटाइन में जाएंगे तो कम्युनिटी सर्वेलेंस की व्यवस्था की जा रही है। ग्राम पंचायत के लेवल पर जो ग्राम प्रधान हैं उनके देख रेख में एक ग्राम निगरानी समिति बनेगी, जिसमें आशा और जो थाने के चौकीदार होते हैं वो और बाकी युवक मंगल दल के प्रतिनिधि और इस तरह के जो अन्य लोग हैं उनको मिलाकर के एक ग्राम निगरानी समिति बनेगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं वो इसका सख्ती से पालन करें। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र के लोग होंगे उनके लिए मोहल्ला निगरानी समिति बनेगी, जो वहाँ के स्थानीय सभासद की देखरेख में बनेगी, और वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो कड़ाई से होम क्वारंटाइन का पालन करें। अगर किसी प्रकार के भी लक्षण आते हैं तो तत्काल सूचित किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को और उस पर फिर उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन या जैसी स्थिति हो L1, L2, L3 के चिकित्सालय में उनको भेजा जाएगा। जब उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी तब उनके घर के बाहर से जो फ्लायर लगाया जाएगा जिसमें तिथि लिखी है उस फ्लायर को हटा दिया जाएगा। आपको मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ, जैसा आपको मैंने 1-2 दिन पहले बताया था, लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी, इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था थी, उसमें एक ठहराव आ गया था। बच्चों का वैक्सीनेशन थोड़ा रुक गया था क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल ही आना जाना रुक गया था। आज से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया है। बुधवार और शनिवार को बच्चों का इम्यूनाइजेशन होता है, तो बुधवार को इसके आदेश हुए थे। आज से अभी तमाम फोटोज हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, सभी समस्त जिलों में आज से बच्चों का टीकाकरण फिर से प्रारंभ हो गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का टीकाकरण ड्यू हो गया था या थोड़ा उसमें विलंब हो गया था, तत्काल अपने बच्चों को टीकाकरण करवा लें, टीका लगवा लें,
ताकि जिन बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है उससे वो बचे रहें और बच्चों को भविष्य में वो बीमारियां न हो। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्हें भी सूखी खांसी या सांस फूलने की बात या बुखार जैसे लक्षण आए उनको सामने आकर के अपना परीक्षण करवाना चाहिए। ये एक संक्रामक बीमारी है और ये संक्रमण जो है किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप सामने आइए, बताइए, हमारे हेल्पलाइन 1800-181-45 पर फोन करिए, उससे आपको सलाह दी जाएगी और आप अपना परीक्षण करवाएं। अगर उसमें आपके पाया जाता है कि आप संक्रमित हैं तो सरकार आपकी निःशुल्क चिकित्सा करवाएगी। इसको जितना ही हम छुपाने का प्रयास करेंगे उतना ही अपने हम इष्ट मित्रों और अपने परिवार वालों को भी हम संक्रमण देंगे। ऐसा देखने में आ रहा है कि जहां लोगों ने विलंब किया, कई कई घरों में हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें एक व्यक्ति को हुआ, उसने विलंब किया तो उसके घर के 5 व्यक्ति को या 8 व्यक्ति को संक्रमण की बात सामने आई। अगर समय रहते ही लक्षण होते ही तत्काल अपनी जांच करवा लेंगे तो अपने परिवार वालों को भी आप बचाएंगे और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी बचाएंगे। विशेष तौर पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बुजुर्गों को और जो लोग किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो पहले से, उन्हें संक्रमण से हर हालत में बचाना है। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और हम लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि हम उनके नजदीक न जाएं। हाथ साबुन पानी से बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने चेहरे मुंह और नाक को फेस कवर से ढकें, रुमाल, मास्क, दुपट्टा, गमछा, किसी न किसी चीज से अपने चेहरे और नाक को ढकिए और साथ ही ऐसे कुछ प्रयास कीजिए जिससे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी अदरक का काढ़ा है, अजवाइन का अर्क है और नीम की पत्ती का सेवन है, गर्म पानी का सेवन है, योग प्राणायाम है, इन सब चीज़ों को करने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और हम इस बीमारी को हम परास्त कर सकते हैं, हमारा शरीर उनसे सफलतापूर्वक लड़ सकता है। इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है। इतने बड़े राज्य में जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ है, वहाँ भी अभी भी हम लोगों ने इसको, आप लोगों के प्रयास से और लोगों की समझदारी से, इसको अभी भी हम लोगों ने काफ़ी नियंत्रण में रखा है और जो अभी बड़ी संख्या में प्रवासी आने वाले हैं, अगर हम सभी लोग सजग रहेंगे, जो ग्राम निगरानी समिति है, मोहल्ला निगरानी समिति है और मीडिया के लोग हैं, सभी लोग अगर सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे तो हम लोग इस संक्रमण को नियंत्रित रखने में पूरी तरह सफल होंगे।